दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ रांची के एक रोड साइड कार्ट पर, जहाँ मिलता है एक अनोखा कॉम्बिनेशन जो कि है चिकन लिट्टी। यहाँ चिकन लिट्टी के पीसेस को सरसों के तेल में फ्राई किया जाता है और फिर इसे वेजिटेबल ग्रेवी बनाकर लिट्टी के साथ एक प्लेट में सर्व किया जाता है। यह अनोखा जायका रांची के लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। तो चलिए अब इसकी मेकिंग देखते हैं और आपको इसको खा करके बताते हैं कि इसका जायका कैसा है। दोस्तों आज हम आ गए हैं संतोष चाप लिट्टी। संतोष चाप लिट्टी है, ये है रांची में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार नाम है सर। संतोष कुमार जी, कब से लगा रहे हो आप यहाँ पे? ये 4 महीना हो गया सर। क्या है इसको थोड़ा समझाओगे, क्या बना रहे हो आप? ये चिकन लिट्टी है सर, इसको चाप लिट्टी बोलते हैं। अच्छा, हमने लिट्टी चोखा तो बहुत सुना था, ये चिकन लिट्टी क्या है थोड़ा समझाइए। सरसों तेल में डायरेक्ट फ्राई करके, अच्छा, और इसमें ग्रेवी डालते हैं यहीं पे सब कुछ। फिर फ्राई करने के बाद? फ्राई करने के बाद फिर ग्रेवी करते हैं दूसरे तवा पे। अच्छा, उस तवा पे ग्रेवी बनाते हो? जी। तो सर आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया छपरा घर है ना, गए घर गए थे तो कोई साला लोग आइडिया दिया कि चलिए हम खुलवा देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ आपके साले काम कर देंगे? हाँ, वाला साला छपरा कचहरी स्टेशन के पास गुड्डू चाप लिट्टी का एगो लगाता है। अच्छा, तो उन्होंने आइडिया दिया आपको? है पूरे रांची में ऐसा नहीं लगाता है। ऐसा नहीं लगाता नहीं। हम सरसों तेल में इसको फ्राई करते हैं, सामने ग्रेवी डालते हैं, सामने ग्रेवी बनाते हैं। अच्छा, सामने ही ग्रेवी बनाते हैं, सामने ही लगाते सब कुछ। ये सामने लिट्टी है, अपनी लिट्टी लगा रहे हो जरा। हाँ, लिट्टी में क्या क्या होता है? लिट्टी में सत्तू रहता है, जीरा रहता है, गोलकी ये सब रहता है, मसाला रहता है सब सत्तू का। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये देखो, हम हैं रांची में जैसा कि आपको पता है, और ये है एक बहुत ही अनोखा जायका रांची का जो कि है चिकन लिट्टी। चिकन लिट्टी, चिकन इसको चाप लिट्टी बोलते हैं, इसको चाप लिट्टी भी बोलते हैं। इस तरीके से देखो, पहले पूरे चिकन को फ्राई किया जाता है यहाँ पर तवे पर, और सरसों के तेल में ये फ्राई होता है, और जब पूरा फ्राई हो जाता है उसके बाद में इसको इसकी प्याज और कुछ चीजों की, प्याज और शिमला और टमाटर डाल के उसको फ्राई किया जाता है, तब ग्रेवी डालते हैं। तब ग्रेवी डालते हैं। अच्छा, ग्रेवी कहाँ दिखाइए? प्याज का ग्रेवी है यहाँ। ये प्याज का ग्रेवी, एक बार चलाइएगा उसको थोड़ा सा। ये प्याज का, देखो साहब, ये प्याज का, ये देखो, ये है प्याज की ग्रेवी नहीं? हाँ, ये प्याज का ग्रेवी है। अच्छा, उस तवे पे बनता है और फिर उसमें डाला जाता है चिकन। हाँ, चिकन डालेंगे और फिर लिट्टी काट के उसको स्पाइसी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो सर आज क्या खिलाओगे हमको? लेग पीस? लेग पीस खिला देंगे सर। अच्छा, तो बनाइए सर लेग पीस, एक खाकर देखें आज। इसके बारे में थोड़ा बताओगे, इसके बारे में क्या क्या है? ये कॉम्बो पीस है, कोट कलेजी और बोनलेस पीस रहता है, इसको हम लोग कॉम्बो बोलते हैं। अच्छा, ये कितने का होता है? ये 50 का एक प्लेट होता है। 50 का एक प्लेट। अच्छा, और ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे? ये पीस है ओनली 25 रुपए वाला पीस है। 25 रुपए वाला, वो रोस्टेड वाला? हाँ, वो पीस जो है भैया वो सामने रहेगा। ये हम लोग का पीस है, सब कच्चा है। यहाँ एक तवे में फ्राई होता है और एक में पूरा ग्रेवी होता है। फ्राई खाना है तो फ्राई भी मिलता है और ग्रेवी में भी मिलता है। हाँ, जैसा आपका। ये देखो दोस्तों, पीछे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है खाने वालों की। ये देखो, मतलब है चिकन लिट्टी, बहुत बढ़िया यार। तो ये तेल ले रहे हो आप पहले इसी? हाँ, में से यहाँ से तेल लेकर वहाँ ले जा रहा है, ग्रेवी करेगा। अच्छा, ग्रेवी बनाओगे? हाँ, ये साहब ग्रेवी देखते हैं इनकी। तो ये डाल दिया इन्होंने दूसरे तवे पर, उसी तवे से सरसों का तेल लेके। बहुत बढ़िया, देखो एक नई अनोखी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं रांची में। तो अभी आप ये मिर्ची कटिंग कर दी आपने ना, ये मिर्ची कटिंग करके डाल दिया आपने इसमें। और ये क्या है? टमाटर। ये प्याज डाल दिया और ये डाल दिया फिर से, ये शिमला मिर्च है। तो ये बन रही है साहब ग्रेवी, इसके साथ में टमाटर, शिमला, प्याज। टमाटर, शिमला, प्याज और मिर्ची। और मिर्ची। और ये है आपका लिट्टी। अरे वाह। तो दोस्तों वहाँ से इन्होंने ये पीस उठाया और यहाँ डाल दिए जो ग्रेवी तैयार कर रहे हैं उसमें। तो एक लेग पीस भी उठा लिया है, ये दूसरा लेग पीस भी आ गया। ये पूरा देखो वहाँ पे पूरा उन्होंने फ्राई किया उस तेल में, और अभी यहाँ पे ग्रेवी तैयार हो रही है और लोग आना स्टार्ट हो गए, इनके कस्टमर्स आना भी स्टार्ट हो गए। शाम को 5 बजे लगाते हो ना भाई से? जी भैया, है ना। 5 से कितने बजे तक लगाते हो? 5 से हम लोग का 10 बजे तक है, अगर 9 बजे तक खत्म हो जाता है। अच्छा, 9 बजे तक खत्म भी हो जाता है? अरे वाह, क्या बात है। देखो दोस्तों, हाँ, 5 बजे आते हैं और 9 बजे तक खत्म भी हो जाता है। मैक्सिमम हम लोग 10 बजे तक रखते हैं। तो कितना किलो चिकन डेली खपत हो जाती है? तो भैया 10 से 15 किलो। अच्छा, 5 से 9 के बीच में 10 से 15 किलो चिकन, बहुत सही है यार। ये देखो दोस्तों, पहले इसको इन्होंने इस मसाले के साथ, अब इसके बाद ये आ गई इनकी, देखो ये ग्रेवी है, प्याज की ग्रेवी है? नहीं जी भैया, ये आ गई प्याज की ग्रेवी। ये देखो, मतलब ना अलग सा कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पहले, इससे पहले हमारे चैनल पे नहीं देखा होगा, इवन राजस्थान में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
और लिट्टी एक्चुअली चलती भी है जो है ना झारखंड में ज्यादा चलती है। ये छपरा और बिहार का, छपरा और पटना का फेमस डिश है। छपरा और पटना का जी, छपरा पटना में हर जगह ये मिलेगा आपको। अच्छा, छपरा और पटना में, और रांची में ये कम मिलेगा ना? नहीं, रांची में हम अभी तक ये चीज देखे ही नहीं थे। अच्छा, रांची में मामा लोग आए थे छठ में घूमने, हाँ, वही लोग स्टार्टअप किए। अच्छा, और फिर कुछ काम से फिर गए। अच्छा, क्या बात है। देखो धीरे धीरे ग्रेवी का रूप ले लिया इसने, ये लिट्टी भी डाल दिया आपने इसमें। हाँ, तो अभी कितनी देर और लगेगी इसको बनने में? बस 2 मिनट। 2 मिनट? अब क्या इसको काट रहे हो आप? जी भैया। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं? ये भैया ग्रेवी अंदर जाएगा लिट्टी के। अच्छा, ये पूरा ग्रेवी इसमें चला जाएगा जी। बहुत बढ़िया। ये देखो दोस्तों, ये है लिट्टी चिकन। जी भैया, आज लिट्टी चिकन खाएंगे। लिट्टी चोखा तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बहुत खाया भी होगा। लिट्टी चिकन आज हम आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखो यार। ये भैया, अच्छा ऊपर से धनिया डाल दिया। देखो यार कितना सही लग रहा है अभी, मतलब बनने में ही है ना? जी भैया, लगभग बन चुका है ये, और अब हम सर्व करवाएंगे इसकी। एक प्लेट लगवाएंगे भैया। प्लेट कितने की है इसकी, क्या प्राइस है? 70 रुपए भैया। 70 रुपए? दो लिट्टी 70 रुपए। दो चिकन दो लिट्टी 70 रुपए का है। जी भैया, बहुत बढ़िया यार। एक प्लेट लगाओ आज हमारे लिए भी, खा करके देखते हैं दोस्तों। ये लग रही है प्लेट, देखिए ये लग गया। ये एक तो अपन ने लगाया इसमें लेग पीस है ना? जी भैया, लेग का अलग रेट है। अच्छा, लेग का अलग रेट है। लेग का क्या रेट है? लेग 60 रुपए पीस है, एक लेग और एक लिट्टी। अच्छा, मतलब 70 रुपए हो जाता है। 70 रुपए हो जाता है, वैसे 60 रुपए की है। हाँ, बहुत बढ़िया, ये लग गई है प्लेट। तो ये प्याज भी डाल दो इसके ऊपर। हाँ जी भैया, बहुत बढ़िया। तो ये होगी प्लेट रेडी। जी, और दिखाओ यार ये प्लेट। देखो दोस्तों, ये है चिकन लिट्टी। लिट्टी चोखा बहुत आपने सुना होगा, हालांकि हमने राजस्थान में तो नहीं मिलता, लेकिन बहुत जगह आपको लिट्टी चोखा मिल जाएगा। लेकिन लिट्टी चोखा एक अलग डिश हो जाती है, और ये है चिकन लिट्टी। चिकन लिट्टी का एक बार आपको पूरा प्रिपरेशन हमने दिखाया कैसे है। तो ये ओवरऑल इसकी जो है प्रिपरेशन है, जिसमें ये तो है लिट्टी, ये देख सकते हो इसको काटा गया है ताकि ये इसका जो पूरा जूस है ना इसके अंदर चला जाए। और ये है इसका लेग पीस, ये है चिकन लिट्टी, चिकन का चिकन। तो सबसे पहले यार ये चिकन लेग पीस बहुत टेंटिंग लग रहा है, इसको एक बार खा करके देखते हैं इसका क्या टेस्ट बोलता है। दे देंगे तो यार, मतलब ये तो, मतलब जो चिकन था ना बहुत ही अच्छे से थे, और दूसरा जो इसकी ग्रेवी जो इसके अंदर चली गई है ना, बहुत सही टेस्ट कर रहा है। अब इसका एक बार चिकन को इसको लेते हैं, इसका चिकन को एक पीस लेते हैं। ये देखिए चिकन पीस है, और इसको लिट्टी के साथ भी एक बार लेकर के देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये है बाइट, ये है लिट्टी, और ये है चिकन, और थोड़ा सा मसाला भी हमने लिया है। अब इसका एक बाइट खा करके देखते हैं। ऐसा लग रहा है मैं चाट खा रहा हूँ, सीरियसली। जैसे अपन खाते हैं ना आलू टिक्की छोले डलवा के ऊपर से चाट खाते हैं, बहुत सही फीलिंग आएगी। अगर देखो आपको भूख लगी है और आप कोई ऐसी चीज़ खाना चाहते हो जो उस समय के लिए आपका पेट भर दे लेकिन ज़्यादा हैवी ना हो, तो ये बहुत सही डिश है। एक बार फिर यार इस लेग पीस को उठाते हैं, एक और बाइट लेते हैं। जो उन्होंने ग्रेवी निकाली थी आपको याद है, प्याज की ग्रेवी निकाल के और उसको तवे पे डाला था ग्रेवी को पूरा करने के लिए, बहुत सही बनी हुई है। थोड़ी सी चटपटी है, और प्याज और ये मसाले डल करके ना इसका अलग ही एक टेस्ट आ रहा है। और ये जो लिट्टी है ना, ये देखो ये जो लिट्टी है ना, इसके अंदर होता है सत्तू, अभी खाया था हमने इसको। एक बार रॉ खा करके देखते हैं लिट्टी को। टिकिया टाइप जो बनी हुई है, इसके अंदर सत्तू है, और जब ये लिक्विड इसके अंदर चला जाता है ना, जो करी चली जाती है, बहुत ही ये एक चटपटा स्वाद देगी आपको। ये देखो इस तरीके से, देखो प्याज कैसे लगे हुए हैं इसके ऊपर, मसाला कैसे लगा हुआ है। देखो सत्तू दिख रहा होगा आपको इसके अंदर दोस्तों। यार देखो ये, देखो ये दो चिकन पीसेस और ये जो लिट्टी के इन्होंने ये डाले हैं, ये पूरी जो प्लेट है, दिस इज़ ओनली 70 रुपीज़। मैं जब से रांची आया हूँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो नॉनवेज है ना, बहुत बहुत चीप है, बहुत सस्ते में आप खा सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, और क्वालिटी भी एक नंबर है। बहुत बढ़िया यार, 70 रुपीज़ में ऐसा जायका आपको अगर रांची में मिल रहा है, बेस्ट है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये फ्राई पीस है, वो ले लीजिए, फ्राई पीस खा के देखिए कैसा लगा। फ्राई वाला पीस? फ्राई वाला। तो दोस्तों ये एक फ्राई वाला पीस भी है। फ्राई वाला पीस का क्या प्राइस होता है? 25 रुपया। ये देखो 25 रुपए में एक फ्राई वाला पीस भी इन्होंने दिया है। तो 25 रुपए में एक ही आता है कि एक ही आता है ना? तो इसको भी एक बार खा करके देखते हैं। देखो मैंने अपनी पूरी प्लेट खत्म कर ली है, बहुत सही लगा था मेरे को यार। ये एक फ्राई पीस भी ले लेते हैं और इसको खा करके देखते हैं। ये देखो बहुत सही है यार, ये यार
मतलब इस पे ये क्या मैरिनेशन लगा हुआ है इस पे? वो भैया सब घर का मसाला है उस पे। घर के मसाले हैं जी। बहुत सही है यार, लग भी रहे हैं, बहुत फ्रेश है यार ये। ये देखो यार दोस्तों, डिटेलिंग देखो इसकी, अब बिल्कुल गरम गरम है ना, तवे में से निकाल के दिया इन्होंने। ये देखो इधर से देखो, ये सारे जो मसाले हैं ना, बहुत सही लग रहे हैं यार। वाह यार वाह, मतलब देखो अगर रांची आओ और रांची में हो, अगर ये आपसे मिस हो गया ना तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपको। मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कहाँ पर है। ये बिरसा चौक है, बिरसा चौक से जैसे ही आप यहाँ आएंगे आपको ये कैनरा बैंक के जस्ट सामने दिख जाएगा। ये है संतोष चाप लिट्टी, ये कार्ड पे लगाते हैं 70 रुपये और 60 रुपीज़। अगर आप लेग लेते हैं तो 70 रुपये का है, अगर आप नॉर्मल पीसेज लेते हैं तो 60 रुपीज़ में आपको ये प्रिपरेशन मिल जाती है। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, रेटिंग इसकी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और उसके अलावा यहाँ की जो टाइमिंग है वो है शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तक इनका कहना है कि 10 से 15 किलो चिकन भेजवा के चले जाते हैं। और भाई साहब ये समझ में आ गया खा करके कि इनका 9 बजे तक कैसे ख़त्म हो रहा है, बहुत सही है। ये एक और जायका था रांची का जो हमने आपको दिखाया, और अगर आप कभी भी रांची आते हैं यहाँ ज़रूर आइएगा और ये प्रिपरेशन एक बार ज़रूर खा करके देखिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो आपके तो कमेंट कर दीजिएगा। अभी मैं रांची में और भी हूँ, और भी नए जायके आगे आने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और नई जगह पर किसी और नए जायके के साथ। टिल देन बी हैप्पी।